नमस्कार दोस्तों, ग्वालियर के सभी और मध्य प्रदेश के सभी छात्रों को जो मध्य प्रदेश पीएससी का पेपर देने जा रहे हैं प्री का, उन सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन पेपर देने जाने से पहले मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण कुछ बिंदु बताना चाहता हूं, उनको याद रखें। सबसे पहली बात याद रखें कि खुद पे बहुत अच्छे से भरोसा रखें। आपने पूरी साल जो पढ़ा है वो आपको आज भी याद है, इसलिए आप जितना कर सकते थे आप कर चुके हैं। आप अब चिंता ना करें कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ठीक है ना। पेपर कठिन है या सरल है ये पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए आएगा, केवल आपके लिए नहीं आएगा। इसलिए कभी ये ना सोचें कि पेपर कठिन आ गया है या पेपर सरल आ गया, पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे इस पेपर को देने वाले हैं, ठीक है। पेपर के शुरुआती क्वेश्चनों को देखकर कभी ये एहसास ना करें कि पेपर बहुत कठिन आ गया है, ऐसी धारणा विकसित ना करें, ठीक है। और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें, थोड़ी थोड़ी देर में गहरी सांस लें जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा बना रहे और ब्रेन अच्छे से वर्क कर सके। समझ गए कि नहीं आप बात को? कभी भी पेपर देते वक्त पहले से रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है हमको कि यार क्या होगा, पेपर बिगड़ ना जाए, संभल ना जाए, क्योंकि वो परफॉर्मेंस का टाइम है। आपको परफॉर्मेंस देना, ना कि किसी भी प्रकार की चिंता करनी है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि जब दो ऑप्शन होते हैं पेपर में तो अक्सर आपका क्या होता है, माइंड पहले स्ट्राइक करता है और उसको हम राइट करना चाहते हैं, लेकिन फिर माइंड बताता है कि नहीं यार ये दूसरा ऑप्शन इसका सही हो सकता है, और तभी आपसे क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। इसलिए मन जिसको पहली बार बोले वही क्या है, आपका सही उत्तर है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें, यानी कि जिन ऑप्शंस में आपको लगता है कि ये आंसर हो ही नहीं सकता, सबसे पहले उनको एलिमिनेट कर दें तो आपके आंसर की प्रोबेबिलिटी जो है वो कई गुना बढ़ जाती है ठीक होने की। इसलिए खराब आंसर को पहले से हटाने की कोशिश करें। दो माध्यमों में पेपर छप के आता है, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में। आप दोनों ही माध्यमों में क्या करें, उस क्वेश्चन को आप पढ़ें दोनों ही माध्यमों में। जब आप दोनों ही माध्यमों को पढ़ते हैं तो आपको ये फायदा होता है कि दोनों माध्यमों में पढ़ने से क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आना शुरू हो जाता है, ओके। तो इस बात का ध्यान रखें। सबसे अच्छी बात है मन को बड़ा शांत रखें। अगर आप मन को शांत रखते हैं और घबराकर पेपर नहीं देते, कोई जल्दबाजी नहीं करते, तो आप यकीन मानिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं और आप कट ऑफ से ऊपर ही जाने वाले हैं। और आप जरा सोचिए कि एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण स्टूडेंट जो कि एमपीएसआई या एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसको भी एमपीपीएससी का आप पेपर देते हैं तो वो लगभग 50-60 क्वेश्चंस ठीक कर देता है। तो आप सोचिए, आपने साल भर पढ़ाई की है और साल भर पढ़ाई करने के बाद क्या आपको इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप 75 क्वेश्चन तक सही नहीं कर सकते? कट ऑफ पीएससी का कितना जा रहा है पिछले कुछ सालों से, 72-73 इसी रेंज में घूम रहा है वो। अगर आप 25 क्वेश्चन भी गलत करते हैं तो भी आपके 75 क्वेश्चन सही होंगे, ये बहुत ही खुशी की बात है। इसलिए जरा भी निराश होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा मन की शांति, थोड़ा रिलैक्स होकर अच्छी नींद लेकर जाएं आज, और उसके बाद पेपर दें शांत मन से, बिल्कुल बिना स्ट्रेस लिए। आप यूं सोचिए कि मुझे परमिशन है 20 क्वेश्चन कम से कम गलत करने की, तो भी आपके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसलिए पूरी आत्मविश्वास, पूरी शक्ति और पूरे मन को शांत करके बहुत खुश होकर पेपर देने जाएं। मेरा यकीन है कि आप सब लोग धूम मचाने वाले हैं और पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट ऑफ एमपीपीएससी प्री। थैंक यू सो मच।